इससे कैसे लाभ पहुंचेगा लोगों को, पंचायत के लोगों को? आज भभुआ जिला में मुख्यमंत्री परिवहन योजना का हम लोग लगभग 40 लोगों को, लाभुकों को गाड़ी का चाबी दिए और लगभग 125 लोगों का चयन भी हो चुका है और पर पंचायत 5 लोगों के चयन की प्रक्रिया जारी है। हमने आग्रह किया जिला प्रशासन के तरफ से कि आप लोग थोड़ा मेहनत करके 15-20 दिनों के अंदर टारगेट का 50% आप पूरा करें और उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है। आज बहुत ही मुझे भी खुशी हो रही है और जितने लोगों को हम लोगों ने चाबी दिया उन लोगों को भी खुशी हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी कि मैंने बिहार में रोड बना दिया और सुदूर इलाके के लोग मुख्यालय तक या प्रखंड तक अपने दिनचर्या के लिए, अपने कामों के लिए अगर उनको साधन नहीं मिलता था तो ये साधन पंचायत स्तर पर रहेंगे और इस साधन से उनको आवागमन की सुविधा मिलेगी और विशेषकर वैसे लोगों को एक रोजगार भी सृजन हो गया। जो आप दूसरे की गाड़ी चलाते थे आज वो अपनी गाड़ी चलाएंगे और रोजगार सृजन करेंगे और अपने बाल बच्चों को भी भरण पोषण करेंगे। तो ये बहुत ही लक्षित योजना है, इसकी शुरुआत हुई और पूरे बिहार में लगभग हम लोग 425 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में और बजट के प्रावधान करके हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में 425 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ। इस मेले में लोगों, ग्रामीणों की भीड़ बहुत नहीं के बराबर दिखाई दी, क्या प्रचार प्रसार का कमी था, क्या कमी? प्रचार प्रसार की कहीं कमी नहीं। हम लोगों ने 3 स्तर पर, एक तो वीडियो के यहाँ ऑनलाइन आवेदन और परिवहन विभाग में भी ऑनलाइन आवेदन, अगर यहाँ नहीं जमा हो पाता है तो आपको वहाँ से आवेदन आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन लेने की हम लोग सुविधा दिए हैं और जहाँ भी कोई रहे वहाँ से आवेदन ऑनलाइन कर सकता है, पूरे के पूरे पारदर्शिता के साथ। और कोई भी योग्यता नहीं है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए योग्यता 8वीं पास है, गाड़ी चलाने के लिए योग्यता 8वीं पास है, तो गाड़ी लेने के लिए भी योग्यता 8वीं पास है।